परासिया जनपद में विधायक सोहन वाल्मीकि सहित कांग्रेसियों ने किसान कानून के विरोध में पदयात्रा निकाली और भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर जोरदार हमला किया। कांग्रेसियों ने बेलगांव ग्राम के दुर्गा मंदिर से पूजन करने के बाद जयकारा लगाया और फिर विधायक सोहन वाल्मीकि समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। सोहन वाल्मीकि ने किसान बिल और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है। भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी और इसी को लेकर यह पद यात्रा निकाली गई है। किसानों के बैनर तले यह यात्रा गांव गांव तक पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने किसानों से पद यात्रा में शामिल होने की अपील की। कृषि बिल के विरोध में, कृषि अध्यादेश के विरोध में आज बेलगांव से करीब तक हम लोग पद यात्रा का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र ने जो अध्यादेश लाया है कृषि बिल का, कृषि अध्यादेश लाया है, उसके खिलाफ में लगातार पूरे भारत के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि आम जनता भी इस बात का विरोध करने लगी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार को कोई कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और आज हम लोगों ने हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और समन्वयक जमील भाई, हमारे हेमंत भाई, इनके सबके निर्देश अनुसार, इनके अगुवाई के अनुसार आज पूरे गांव के लोग इकट्ठे हैं, पूरे गांव के लोग किसान इकट्ठा होकर इस अध्यादेश का विरोध करने हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।